बोकारो में बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है, स्कूल का फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, बोकारो ऑब्वियसली है अच्छा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छे, टीचर्स भी अच्छे, एजुकेशन के लिए एक अच्छा माहौल बना हुआ है, खाने पीने का सामान भी बहुत सस्ता में मिल जाता है, तो यस बोकारो बहुत अच्छा है। बोकारो एक बहुत अच्छा, अभी भी एक इफेक्टिव है, लेकिन और अच्छे हो सकते हैं, बोकारो और इम्प्रूव कर सकता है। हर साल बहुत सारे बच्चे बोकारो से बहुत जगह जाते हैं। तुम मानते हो कि बोकारो है बेहतर? हाँ, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बोकारो है बेहतर, कैसे इसको मानते हो पढ़ाई के लिए? जी, बोकारो में बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है, बाहर बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बोकारो लिटरली, और यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए एक अच्छा माहौल बना हुआ है, जैसे सेक्टर 4 हो गया और जैसे हम लोग का भी एरिया है 6, तो लाइक ज़्यादातर एरियाज में होता है बहुत क्राउड होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ एक माहौल है बोकारो में, तो यस बोकारो बहुत अच्छा है फॉर एजुकेशन। बोकारो में ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं बोकारो है एजुकेशन में बेहतर, कैसे बेहतर है? बोकारो इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ का जो आसपास को लोकेलिटी ये सब हो गया, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग आए हैं यहाँ पर, फिर आपका स्कूल का फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, फिर जो भी आपके आसपास में रहने के लिए जगह, फिर खाने पीने का सामान भी बहुत सस्ता में मिल जाता है, और उतना मतलब यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स लोग को एक माहौल भी मिल जाता है कि पढ़ने के लिए, और फिर यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर साल बहुत सारे बच्चे बोकारो से बहुत जगह जाते हैं, तो फिर बच्चे लोग देखते हुए भी यहाँ पर आना पसंद करते हैं और कंपटीशन भी बढ़ जाता है फिर उसका। क्या बोकारो को कोटा के जैसा बना सकते हैं? अब कोई दो जगह का तो तुलना एक जैसे में किया नहीं जा सकता है, दोनों का अलग अलग अपने जगह पे वो मायने तो अपना रखता है। बोकारो आपका स्कूल लाइफ के लिए बहुत सही है, आपका 11, 12, प्लस 2 करने के लिए बहुत सही है, फिर कोटा आपका मेनली वो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाते हैं, आप पहले 11, 12 कंप्लीट अच्छा से मार्क्स करके लाएंगे तभी ना कॉम्पिटिटिव में दे पाएंगे। बोकारो को जैसे यहाँ झारखंड का हब कहा जाता है एडुकेशन का, तो बोकारो ऑब्वियसली है अच्छा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छे, टीचर्स भी अच्छे, माहौल भी सही है बोकारो का, लेकिन बोकारो और इम्प्रूव कर सकता है, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस सब जो जैसे कोटा में होते हैं वहाँ भी हो, DPP सॉल्विंग सब जैसे होते हैं वहाँ, यहाँ भी ऐसा हो तो अच्छा रहे। जैसे बोकारो एक बहुत पहले सिविलाइज सिटी है, और अभी बहुत सारे बाहर बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, मतलब क्यों आते हैं, यहाँ पे टीचर अच्छे मिल रहे होंगे तभी, तो टीचर यहाँ के अच्छे हैं, इसलिए स्कूल्स वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, और जो जहाँ से बच्चे का रिज़ल्ट निकलता है तो उसलिए बाहर से स्टूडेंट लोग आते हैं, और मतलब इसको हम बहुत स्टूडेंट्स मैंने सुना भी है कि इसको हम लोग स्मॉल कोटा मानते हैं, मतलब छोटा कोटा मानते हैं, मतलब कोटा में जैसे पढ़ाई होता है यहाँ पे भी हो सकता है। कौन कौन से फैसिलिटीज अभी आना चाहिए जो कोटा बनाने में मदद होगा? ITs के टीचर्स अच्छे होने चाहिए, जो पर्सनल डाउट सॉल्विंग टीचर्स होने चाहिए, प्लस स्मार्ट क्लासेस होने चाहिए जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स से हम लोग को डाउट सॉल्व मिले। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि पहले जब 90s और 2000s की बात थी, तो उस समय सर आए थे, तो फिर सर ने हमें ऐसे बताया था कि उस समय बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट्स होते थे, जिसके कारण उसके बाद फिर बोकारो डेवलप हुए, फिर यहाँ पे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स आए, फिर हम लोग सब उसमें, फिर वो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे उन लोग भी रिजल्ट किए, लेकिन तब की बात और थी और अब की बात थोड़ी अलग हो चुकी है, तो बस वही है जब थोड़ा सा और कोपअप हो जाए बोकारो, मतलब कि अपने पुराने जो उनके प्रीमिटिव स्टाइल्स थे उसको थोड़ा सा और सुधार के और अच्छे से लें, तो बोकारो एक बहुत अच्छा अभी भी एक इफ़ेक्टिव है, लेकिन और अच्छे हो सकते हैं। दूसरे को देख के मतलब ठीक है कि मतलब अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन जब तक कोई बोकारो रिजल्ट नहीं देगा तो कोई यहाँ पर पढ़ने नहीं आएगा, मतलब कहीं भी आप कोटा चले जाओ वहाँ का रिजल्ट अच्छा है इसलिए आता है कोई पढ़ने, यहाँ पर मतलब रिलेटिव मेरा पढ़े हुए हैं इसलिए आए यहाँ पर पढ़ने, मतलब जो रिलेटिव का रिजल्ट अच्छा है। हाँ, भैया लोग IT में। तो मानते हो कि बोकारो है बेहतर? हाँ, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बने रहे thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।